हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आर्बिटोन सिरप के बारे में। आर्बिटोन सिरप का प्राइस, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 199 में इजीली अवेलेबल होता है। किसी मार्केट में आप जा कर के आसानी से परचेस कर सकते हैं। इसका यूजेस, इसका साइड इफ़ेक्ट और इसका क्या डोज होने वाला है, उस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे आर्बिटोन सिरप किस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। तो मेडली कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और मेडली कंपनी का सबसे पॉपुलर जो है प्रोडक्ट यही है आर्बिटोन सिरप, क्लियर है, जो कि 200 ml में मार्केट में अवेलेबल है। 199 में आप किसी भी मेडिकल स्टोर से परचेस कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि इंग्रेडिएंट यानी इसमें क्या क्या मिला होता है। सबसे पहले बात करेंगे फेरस ग्लूकोनेट, उसके बाद क्या होता है फोलिक एसिड, कैल्शियम लैक्टेट और विटामिन B12 इसमें पाया जाता है। देखिए इसमें जो फेरस, फेरस का मतलब ही क्या होता है, आयरन, तो यानी कि आयरन को बढ़ाने के लिए, विटामिन B12 यानी कि हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए, यानी आपके शरीर में जब आयरन की कमी हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है, उस कंडीशन में डॉक्टर इसे क्या करते हैं, आपको प्रिस्क्राइब करते हैं ब्लड को इंक्रीज करने के लिए, हीमोग्लोबिन का काउंट जब कम हो जाता है तो हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ इसमें मिला हुआ है कैल्शियम, कैल्शियम जो है आपके हड्डी को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए आगे हम लोग बात करते हैं इसका यूजेस कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपका हीमोग्लोबिन काउंट कम हो जाए, कैसे, एडल्ट में जो नॉर्मल रेंज है 14 से 18 के बीच नीचे हो जाए, 14 से नीचे हो जाए तो उस कंडीशन में आप इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। फीमेल में 12 से 16 क्या है, नॉर्मल रेंज है, तो यानी 12 से अगर हीमोग्लोबिन काउंट कम हो जाए तो उस कंडीशन में भी आप इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। देखिए थकान, थकान अगर आपको महसूस हो रहा है तो उस कंडीशन में आप इस दवा को ले सकते हैं। आपका वजन सूज जाए ब्लड की कमी के वजह से तो उस कंडीशन में क्या हो, आप इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपको सीढ़ी चढ़ते और उतरते वक्त क्या महसूस हो रहा हो, थकान महसूस हो रहा है, साथ ही साथ आपको चक्कर जैसा महसूस हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप इसे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है, थकान की वजह से, ब्लड की कमी की वजह से आपका शरीर जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होता है, क्लियर है। देखिए ऑपरेशन के बाद से आमतौर से डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब करते हैं। ऑपरेशन में क्या होता है, ब्लड का लॉस, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि आप जल्दी से रिकवर हो जाए। प्रेग्नेंट वुमेन, जो महिला गर्भवती होती हैं, उनको भी डॉक्टर क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। साथ ही साथ लैक्टेशन वुमेन, जो महिला दूध पिलाती है, उनको भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। और ऑपरेशन के बाद से जो बच्चे पैदा होते हैं, उस कंडीशन में जो माँ होती है उनका ब्लड का लॉस बहुत ज़्यादा होता है, जिसके वजह से उन्हें कमज़ोरी महसूस होती है, उस कंडीशन में भी डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब करते हैं। ओल्ड एज पीपल, जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, आमतौर से वो खाने पीने में से उनके रुचि जब ना लगता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इन्हें डॉक्टर क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि उनका ब्लड जो का जो कमी है वो पूरा हो जाए, जिसके वजह से बाकी का ऑर्गेन जो है प्रॉपर वर्क करे, क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं पीरियड। देखिए ये एक सेंसिटिव इशू है, पीरियड के दौरान क्या हो जाता है कि एक्सेसिव, कभी कभी एक्सेसिव ब्लड लॉस होने की वजह से क्या होता है, वीकनेस क्रिएट हो जाता है, वीकनेस, जिसके वजह से क्या होता है, हीमोग्लोबिन काउंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ओवरऑल जो इसका यूजेस था वो क्या था, कमजोरी, खून की कमी में इसके इस्तेमाल करते हैं। देखिए साइड इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट जो है ना, इसका कोई स्पेशल मेडिकल अटेंशन पे करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि जब साइड इफ़ेक्ट जैसे ही डिसअपियर हो जाता है, वैसे ही डिसअपियर हो जाता है जैसे आप इस मेडिकेशन का इस्तेमाल करना बंद कर दोगे, तो दवा इसका कोई पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। साइड इफ़ेक्ट मेडिकल अगर आपको ज़्यादा हो रहा होता है इस दवा का इस्तेमाल करने से, तो आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे इसका डोज, डोज क्या होगा। देखिए डोज जो भी होता है ना, डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करता है, क्यों, क्योंकि सामने से देखने के बाद से वो प्रिस्क्राइब करता है कि आपको कितना लेना है, आपका एज वेट देख करके वो क्या करता है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। तो होपफुली मेरे वीडियो से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा,
थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।